नमस्कार दोस्तों, सुंदर वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। धनवान कौन नहीं होना चाहता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटी आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला और आपको अपार धन मिलने वाला है। यदि घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। जब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए कि काले रंग की चींटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है, तो उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके इष्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है, तो चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। दूसरा संकेत, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की डाल पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में स्थान के अभाव में घरों की खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी आदि भी अपना छत्ता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना इत्यादि भी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। वास्तु शास्त्र में पक्षियों या कीटों के घर में घोंसला बनाने के बारे में भी शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि आपके घर में भी किसी कीट या पक्षी ने बसेरा किया है तो जान लें कि क्या वो आपके लिए शुभ या किसी अशुभता का देता है संकेत। यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आप मान ले कि अब आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, आमतौर पर लोग घर में छिपकली देखते ही तुरंत उसे भगाने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का घर में दिखना शुभ संकेत माना जाता है। खास तौर पर अगर आपको घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। मान्यता के अनुसार आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते हैं, इसलिए उसे भगाने के उपाय भी ढूंढने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अचानक छिपकली का नजर आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि छिपकली किचन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। घर में यदि अचानक तीन छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत देता है। और यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। चौथा संकेत, आमतौर पर जब हमारे हाथ या पैरों में खुजली होती है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पैर या हाथ में खुजली होने के पीछे कुछ शुभ या अशुभ संकेत छिपे होते हैं।
हालांकि हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र व शकुन शास्त्र में इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इन शास्त्रों के मुताबिक हाथ में हो रही खुजली आपको बताती है कि आपके जीवन में धन लाभ होने वाला है या धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से हाथ में खुजली होना शुभ होता है। यदि किसी को बार बार बाएं हाथ में खुजली हो रही है तो यह एक शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पांचवा संकेत, यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। छठा संकेत, ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। सातवां संकेत, यदि आपको घर से बाहर जाते समय गन्ना दिखाई दो तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। आठवां संकेत, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। नौवां संकेत, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। दसवां संकेत, यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लें कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।